गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. आज हम आपको क्लास 7 हिंदी व्याकरण चैप्टर 8 सर्वनाम के बारे में बताएंगे. इस चैप्टर में सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में बताया गया है. सर्वनाम, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं. सर्वनाम शब्दों का व्याकरण में अत्यंत महत्व है. संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग हिंदी भाषा को और अधिक सारगर्भित तथा स्वाभाविक बना देता है. उदाहरण के लिए गद्यांश को पढ़िए, आज पारुल का जन्मदिन है. उसकी माँ उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रही हैं. उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है. इस अवसर पर वह अपनी दीदी को भी बुलाएगी जो दिल्ली में रहती है. उपरोक्त गद्यांश में पारुल के विषय में कुछ बातें लिखी गई हैं. रंगीन छपे शब्द पारुल के स्थान पर ही प्रयोग किए गए हैं. यदि हम इन सभी शब्दों को के स्थान पर पारुल शब्द का ही प्रयोग करें तो यह गद्यांश बहुत ही अटपटा लगेगा. अतः सर्वनाम शब्द ही है जो गद्यांश को स्वाभाविक तथा पठनीय बना रहे हैं. सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण वाक्यों में सहजता तथा सरलता आ गई है. परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक. पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम. जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है. जैसे, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है. वह कोई और नहीं, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं. इस वाक्य में मैं पिता, कहने वाला अर्थात वक्ता, तुम्हें बेटा, सुनने वाला अर्थात श्रोता, ऐसे जिन्हें वह गांधी जी जिनके विषय में बात की जा रही है. इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है. ये सभी सर्वनाम प्राणी को बोध कराते हैं, अतः इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं. पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, मैं, मेरा, हम सब आदि. दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, आपको आदि. तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला ही श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, वह, वे, उन्हें, उसने आदि. दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. यह सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक, दूरवर्ती निश्चयवाचक. पहला, निकटवर्ती निश्चयवाचक. ये सर्वनाम समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे, यह, ये आदि. दूसरा, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम. ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे, वह, वे आदि. तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, पहला, उसे कोई बाहर बुला रहा है. दूसरा, तुम कुछ छिपा रहे हो. यहाँ कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द दूसरे उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, मुझे वह किताब मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था.
या वही लड़का है जो कल खो गया था। इन वाक्यों में वह जिसे वही जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये क्रमशः किताब व लड़के के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला, आभूषण किसने चुराए थे। दूसरा, वहाँ कौन खड़ा है। यहाँ किसने और कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठवां निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता द्वारा अपने लिए किए जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपने, स्वयं आदि। पहला, वह अपने आप चला जाएगा, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। यहाँ अपने आप तथा स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। भाषिक पटता, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मित्र का परिचय दीजिए तथा चित्र भी चिपकाइए। यहाँ आपको अपने मित्र का एक चित्र चिपकाना है और मित्र के बारे में उसका परिचय देते हुए यहाँ लिखना है। इसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक। दूसरा, निश्चयवाचक। तीसरा, अनिश्चयवाचक। चौथा, संबंधवाचक। पांचवा, प्रश्नवाचक। छठवा, निजवाचक। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए के विषय में बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में न बताने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा, उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी, मुझसे, मेरे, हमें, उसे का। कल - तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। दूसरा, दर्द के मारे - चला नहीं जा रहा है मुझसे गा। वह साइकिल - पिताजी लाए हैं मेरे। घा, अध्यापिका जी - हिंदी पढ़ाती हैं हमें। अंगा - अपना काम करने दो उसे। तीसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए का। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये सही है खा। तुम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये गलत है गा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सही है घा। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये सही है। पांचवा, सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। चौथा, रेखांकित सर्वनाम को शुद्ध करके वाक्य बना लिखे का। तेरे को किससे मिलना है, तुझे किससे मिलना है, ये शुद्ध है खा। तुम कौन का सामान लाए हो, तुम किसका सामान लाए हो गा। आपके घर जाइए, आप अपने घर जाइए गा। तुम्हें सब्जी हम लाकर दूंगा, मैं तुम्हें सब्जी लाकर दूंगा अंगा। तुम्हारे को क्या समझते हो, तुम्हें सब्जी हम लाकर दूंगा, मैं तुम्हें सब्जी लाकर दूंगा अंगा। तुम्हारे को क्या समझते हो, तुम अपने को क्या समझते हो। गतिविधि, निम्नलिखित अनुच्छेद में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके पुनः लिखिए। आशा मेरी बहन है, आशा मुझसे 2 साल छोटी है। आशा को सुबह स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। आशा अपनी सहेलियों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती है। आशा को आशा की माँ के हाथ की बनी पूरियाँ व आलू की सब्जी बहुत पसंद है। आशा को आशा की अध्यापिका
बहुत प्यार करती हैं। यहाँ आशा शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। अब आपको आशा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का उचित प्रयोग करते हुए नीचे लिखना है। इससे अनुच्छेद को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।